ज्ञानव्यापी मंदिर मॉडल और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उसकी आज राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनी लगी है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि आज से 350 साल पहले क्या नक्शा था, उसके बाद कैसे कैसे उस पर आक्रमण हुए, कैसे कैसे उस चीजों को ध्वस्त किया गया और अभी की क्या स्थिति है। सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो पूरा का पूरा मंदिर का मॉडल है जो सबसे पुराना, यानी कि 350 साल पहले ये स्थिति थी 1585 में। और ये देखिए, सबसे बीच में वो गर्भगृह है जहां पर शिवलिंग स्थापित था। इसके बाद जो बाकी सारे मंडप है, गणेश मंडप, ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप, ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप, मुक्ति मंडप, दंड पाणी और श्रृंगार मंडप, ये सभी मंडप है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, ये भी एक मंडप के उस तस्वीर की जगह है, एक स्वरूप है कि किस तरीके से मंडप था। और एक जो बड़ी चीज, ये जो राइट हैंड साइड का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये उस वक्त संस्कृत अध्ययन केंद्र था। और इस वक्त का जो हिंदू पक्ष जो क्लेम करता है कि जो एक आकृति मिली है जिसको वो शिवलिंग कहता है, जिसको मुस्लिम पक्ष इसको फवारा कहता है, वो इस जगह पर बने हुए कुंभ था वहां पर मिली है। इसके साथ ही साथ अब ये वाला आप स्वरूप देखिए कि ये पुराना स्वरूप मंदिर का, किस तरीके से ये मंदिर का स्वरूप था। इसके बाद हम आगे आते हैं और ये अभी जब जांच कमीशन की तस्वीरें थी तो ये वो जगह थी, ये वो कूप है जहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ ये वो जगह जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है, मुस्लिम पक्ष को फवारा कहता है। इसके साथ साथ अगर ये तस्वीर आप देखिए, जांच कमीशन के दौरान तहखाने से मिले देव विग्रह सहित खंभों के अनोखे प्रमाण, ये तमाम जो प्रमाण है आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, आपको लगेगा श्री गणेश इसमें विराजमान है। इसके साथ आप ये कलाकृतियां देखिए, आपको लगेगा भगवान के जो विग्रह हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, वो इन दीवालों पर ये बने हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये मंदिर होने का प्रमाण है। इसके साथ साथ आप ये तस्वीर देखिए, ये उस मंदिर का पश्चिमी हिस्सा है। और ये जब तस्वीर आप देखेंगे तो इस वक्त ये जो जगह है, इस वक्त ही ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो तस्वीर है, ये जो गेट है, इसी गेट को बंद किया गया था। पहले भगवान शिव इसी के अंदर विराजमान थे और उसके बाद ये जो गेट है वो आक्रांताओं ने इस गेट को बंद किया है। इसके साथ साथ आप ये तमाम तस्वीरें अगर देखिए, आगे बढ़िए, तो हिंदू कलाकृतियों से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो इस जगह पर दिखेंगी। ऐसे ही मंदिर की कलाकृतियां आपको इन बोर्डों पर भी दिखेंगी। और एक जो अहम चीज और, अब देखिए, ये भी चीजें मंदिर की दीवारों पर दिखी हैं और ये जो निशान है, ये स्वास्तिक का निशान है जो बताता है कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इसके साथ आगे अगर तस्वीरों पर आगे बढ़े और चीजें आपको दिखाएं, ये सामने की तस्वीर आप देखिए कि ये तमाम चीजें मंदिर के प्रत्यक्ष प्रमाण को दर्शाती हैं, ऐसा इन पोस्टर्स को लगाने वाले लोगों का कहना है। यहाँ पर तमाम चाहे स्वास्तिक के निशान हो, चाहे पुष्प हो, या तमाम जिस तरीके की चीजें हैं वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ 15वीं शताब्दी में जो मंदिर बना था उसमें कलाकृतियों के जो साक्ष्य हैं वो इन चीजों से दिखाया गया है। और उसके साथ साथ ये दर्शनाभिलाषी नंदी को दर्शाया गया है, जो नंदी आज भी भोले बाबा का इंतजार कर रहे हैं, उनको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ अब हम आगे फिर चलेंगे जो और तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को दिखाने के लिए। ये अगर अब इस तस्वीर को देखिए तो ये ज्ञानव्यापी कूप है जिसको ग्वालियर की महारानी बैजाबाई द्वारा बनवाया गया कूप एवं मंडप, ये वो जगह है। और इसके साथ ही साथ आप नीचे की तस्वीर देखिए, ये कूप की जगह, आज भी ये कूप की जगह विराजमान है। इसके साथ साथ आप ये वो समय जब सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में किस तरीके से क्या चीजें निकली, फर्श पर 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा जो गंदगी हुई थी, उसके बाद वजू टैंक में जो शिवलिंग है वो डाला गया था, ऐसा यहाँ लिखा गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ने पर जो तस्वीरें हैं वो अगर दिखाई जाए तो ये देखिए, ये ज्ञानव्यापी परिसर स्थित जो तहखाना है उसके अंदर मिले मंदिर के शिखर और माँ गंगा के वाहन मगरमक्ष की प्रतिमा। अब ये देखिए, माँ गंगा का जो वाहन मगरमक्ष है उसकी प्रतिमा ये तहखाने के अंदर से मिली है, जो इस बात के प्रमाण देती है, हिंदू पक्ष जिस बात का क्लेम करता है कि वहां उस जगह पर मंदिर था।
इसके साथ साथ मंदिर के तहखाने के अंदर से जो शिखर और माँ गंगा के वाहन मगरमच्छ की प्रतिमा, ये उसकी एक और तस्वीर है। और उसके बाद ये हिंदू शैली के जो नमूने हैं वो इस तस्वीर पर आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज ये देखिए, त्रिशूल भी यहाँ पर, ये मंदिर की जो कलाकृतियां हैं उसमें त्रिशूल भी वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ने पर मंदिर के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर जो तमाम प्रमाण है, कलश और मंदिर के शिखर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जब आप आगे बढ़िए तो ये देखिए शिखर और माँ, फिर से एक बार माँ गंगा का जो महान मगरमच्छ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये वो जगह जहाँ पर मंदिर के पश्चिमी और श्रृंगार मंडप के जो एक तरीके से जो ध्वंस हुआ था उस पर श्रृंगार गौरी का स्थान, जहाँ हिंदू समाज निरंतर पूजा पाठ करता चला आ रहा है, पीछे का वो हिस्सा पश्चिमी ओर का जहाँ पर पूजा पाठ होता चला आ रहा है। और उसके बाद ये जो कुछ और तस्वीरें जो इस बात के प्रमाण देती हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हिंदुओं से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, सीमेंट और चूना लगा करके इन चीजों को ढकने का जो प्रयास है वो किया गया था। ये देखिए वो जब सर्वे हो रहा था, सर्वे के दौरान की वो तस्वीर, जब गुंबद के अंदर मंदिर का मंडप मिला था, ये जो तस्वीर है ये हिंदू पक्ष को क्लेम करता है कि ये मंदिर का मंडप है और ये यहाँ पर दर्शाने की कोशिशें की गई हैं। इसके साथ ही साथ एक वो भी फैक्ट दिखाया गया है कि औरंगजेब का फरमान क्या था। ये अगर आप तस्वीर देखिए, इस पोस्टर को पढ़िए, तो औरंगजेब ने ये फरमान दिया था कि 18 अप्रैल 1669 को जारी किया था, जिसको आज भी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया। और इसी फरमान के तहत उसके जो सिपासालार थे उनके द्वारा काशी में काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करने के साथ साथ काशी के हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। उसमें पश्चिमी मुख्य द्वार के ध्वंसावेश ध्वंसावशेष के ऊपर आज भी बना हुआ गुंबद स्पष्ट दिखाई देता है। और ये क्या वो आदेश था वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आगे फिर से वो तस्वीरें किस तरीके से जो अभी सर्वे में जो चीजें निकल के सामने आई हैं, और ये अभी जब सन की बात की, देखिए जो आदि विश्वेश्वर मंदिर के मुख्य जो द्वार हैं उनके जो ध्वंसावशेष हैं, उनके जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किस तरीके से जब काम हो रहा था वहां की क्या स्थितियां हैं। और इसके बाद एक और तस्वीर लगी है, एक और पोस्टर लगा है जो एक तरीके से जो उपासना स्थल के विशेष उपबंध है उसका जो अधिनियम है 1991 का, वो इस बात को, वो उसके मायने क्या क्या हैं और क्या चीजें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से जो काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए लोग हैं, ज्ञानवापी परिसर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरीके से 350 साल पहले मंदिर का क्या स्वरूप था और कैसे आक्रांताओं ने उसको ध्वंस किया, और उसके बाद अभी जब सर्वे हुआ है तो अंदर क्या क्या कलाकृतियां मिली, अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं। और अंदर की जो कलाकृतियां हैं उससे हिंदू पक्ष ये क्लेम करता है कि अंदर वो जो पूरा का पूरा परिसर है वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो पूरा का पूरा परिसर, वो ज्ञानव्यापी का जो परिसर है वो महादेव का मंदिर है। और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद, कोर्ट में वो जगह जीतने के बाद वो पुराना भव्य स्वरूप वही वापस से लाना चाहते हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव।